दिल्ली के खजूरी खास में रहने वाले रैट माइनर मुन्ना कुरेशी और उनके बाकी साथियों की वजह से ही सुरंग में फंसे 41 मजदूर 17 दिन बाद बाहर आ पाए। रैट माइनर्स की टीम उन मजदूरों के लिए फरिश्ते से कम नहीं है। इन्होंने ही जान पर खेलकर पाइप के अंदर घुसकर सुरंग का 10 मीटर से ज्यादा मलबा अपने हाथों से बाहर निकाला, जिसकी वजह से बचाव अभियान सफल हुआ। पूरे मिशन को लेकर सुनिए मुन्ना कुरेशी क्या कहते हैं। हमें बताया गया था भाई 41 वर्कर अंदर फंसे हुए हैं टनल के अंदर, तो हमें वकील हसन भाई ने, जो मेरे पार्टनर हैं, उन्होंने बताया उत्तराखंड से फ़ोन आया है, हमें तुम्हें जाना है। मैंने उसी टाइम मैंने ठीक है गाड़ी मंगाते हैं अभी चलते हैं हम वहाँ से, पांच जनी हम वहाँ से अपने चल दिए। सुबह 5 बजे आके यहाँ पे हम उतर गए थे। आने के बाद हमने रुके यहाँ पे, हम अंदर गए सुबह 5 बजे, देखा जाके तो ओगर बंद था। बाद में इन्होंने दिन में ओगर डाला उसके अंदर, उसे इस्तेमाल करा हमने। इन्हें जब पाइप के अंदर गए थे तो हमने इनसे कहा ये सरियों में फंस जाएगा ओगर, और वो वैसे ही हुआ, वो फंस गया। बाद में फंसने के बाद इन्होंने कहा हमसे, हम निकालते हैं उसे, तो भाई एक कटिंग करी उसकी, जो हेयर होती है उनकी कटिंग कर करके उन्हें निकाला गया। उसमें 3 दिन लगे, 72 घंटे लगे उसमें निकलने में। उसके बाद इन्होंने हमें बुलाया, अब तुम लग जाओ। जब हम लगे तो इसमें 26 घंटे हमने लगाए, और हमारे लड़कों ने भी, जो 12 मेंबर की टीम थी, 36 घंटे लगाने के बाद इसे हमने, उन्होंने लगाए थे, हमने इसे सक्सेस करने में 24 घंटों में फाइनल कर दिया था। जब मुन्ना कुरेशी ने अपने घर पर बताया कि उनको इस मिशन के लिए जाना है, तो घर वालों ने क्या कहा, सुनिए पूरा किस्सा। हाँ, उनके मन में था ना, क्योंकि उन्हें पता है ये जो जैक पुशिंग होती है इसमें धांग भी गिर जाती है, सेटरिंग भी टूट जाती है, तो उनके दिल में भी डर रहता है। मगर मैंने उन्हें बताया, मैंने ऐसे ऐसे बातें, वो बोलने लगे ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से काम करना, चले जाओ। मैंने अपने बेटे से भी कहा, मैंने बेटे मैं जा रहा हूँ, तुम अपने 2-3 दिन अपने बड़े पापा के पास रहना, और मेरी बेटी अपनी खाला के पास रहती है। तो वो बोलने लगा ठीक है मगर आ जाना आप 2-3 दिन में। मैंने ठीक है 2-3 दिन में हम निकाल के आ जाएंगे। तो उसका मेरे पे फोन आया था बीच में, बोल रहा था पापा निकल गए। मैंने जी, मेरे बेटे का फोन आया, पापा निकले नहीं निकले। मैंने बेटे देखते हैं आज हमारा काम स्टार्ट हुआ है, और अल्लाह ने चाहे तो निकल जाएंगे। तो बोलने लगा पापा आप जब ही आना, जब उन्हें निकाल दो और मैं इंतजार करूँगा। और हमने निकाल दिया। आज वो बोल रहे हैं अब तुम आ जाओ, हम रो रहे हैं।